अभी हमने हर्फ के बारे में पढ़ लिया, अब उसके बाद कहते हैं कि हर्फ की दो किस्में हैं। नंबर एक आमिल, नंबर दो गैर आमिल। आमिल का मतलब होता है अमल करने वाला, जैसे हमारे यहाँ भी आमिल होते हैं, दारू, दम दारू करने वाले, तावीज़ करने वाले, तो वो अमल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुरूफ होते हैं जो अमल करते हैं अपने किसी लफ्ज़ के ऊपर, वो दारू करते हैं, दम करते हैं और उसके हालात बदल देते हैं। तो ये अमल करते हैं। अमल करने का मतलब क्या है कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि उनके बाद जो इसम आता है उसके ऊपर वो असर डालते हैं और उसका एराब बदल देते हैं। और गैर आमिल वो होते हैं कि जो असर नहीं डालते, वो सादा किस्म के हुरूफ हैं, वो कुछ किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो पहले नंबर पर हैं हुरूफ आमिल, दूसरे गैर आमिल। इनकी वजाहत तो किताब के आगे आएगी, लेकिन चूंकि आमिल में से एक किस्म है हुरूफ जार्रा, उसकी हमें जल्द ज़रूरत भी पड़नी है, इसलिए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। हुरूफ जार्रा समझने से पहले ज़रा हम इस चीज़ को देख लें कि एक है पेश, एक है ज़बर और एक है ज़ेर। पेश के तीन और नाम हैं, ज़बर के भी तीन और नाम हैं, इसी तरह ज़ेर के भी और तीन नाम हैं। पेश का एक नाम रफ़ा है, एक ज़म्मा है और एक ज़म है। इसी तरह ज़बर का एक नाम है नसब, एक है फ़तह, एक है फ़तह। ज़ेर के भी तीन नाम हैं, एक है जर, एक है कसरा और एक है कसर। तो पेश, ज़बर, ज़ेर, इसको आपने याद इस तरतीब से करना है। जैसे पेश, ज़बर, ज़ेर, रफ़ा, नसब, जर, ज़म्मा, फ़तह, कसरा, ज़म, फ़त, कसर। इस तरीके से आपने इस लाइन में इनको याद करना है। अब रफ़ा पेश को कहते हैं, ज़बर नसब को ज़बर कहते हैं, जर को ज़ेर भी कहते हैं। अब जर का मतलब हुआ ज़ेर। अब हम इसको कह दें जारा, तो जारा का मतलब होगा ज़ेर देने वाला, ज़ेर देने वाला। तो इसे कहेंगे जारा, या सिर्फ जार कह दें, मतलब होगा ज़ेर देने वाला। अब कुछ हुरूफ हैं जिन हुरूफ का नाम ही यही है, हुरूफ जारा। क्या मतलब होगा? वो हुरूफ जो ज़ेर देते हैं। ज़ेर किसको देते हैं? अपने बाद वाला जो उनके इसम आता है उसको ज़ेर दे देते हैं। ज़ेर किसको देंगे? सिर्फ आखिरी हरफ को, क्योंकि नाहव में गुफ्तगू सिर्फ आखिरी हरफ के हवाले से है। तो अपने बाद वाले इसम को, उसका जो आखिरी हरफ होगा, उसको ज़ेर दे देंगे। बिलफर्ज एक है बा, ये जारा में से है। अब ज़ैदुन पहले एक लफ्ज़ था, ज़ैदुन, इसके ऊपर हमने बा लगा दिया जो कि जारा में से है, तो लफ्ज़ बन गया बी ज़ैदिन। अब ये जो बी है, ये ज़ैद की जो ऊपर पेशें थी उनको उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा और अपनी ये तनवीन नीचे ज़ेर दे देगा। तो ये इसने अमल किया कि अपने बाद वाले इसम का एराब बदल करके उसको ज़ेर दे दी है। ये कहलाते हैं हुरूफ, हुरूफ जारा,
ये अमल कर रहे हैं कि बाद वाले का इराब बदल रहे हैं, ये मतलब है आमिल का। तो ये जो हुरूफ हैं जो इसम को जेर देते हैं, ये टोटल 17 हुरूफ हैं जो अपने बाद वाले इसम को जेर देते हैं। वो 17 के 17 हुरूफ इस शेर के अंदर बंद हैं, बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंज, मुज, खला। ये जो बीच में वाओ आ रहा है ये नहीं शुमार करना, क्योंकि ये महज जोड़ने के लिए है, वाओ असल में ये खड़ा हुआ है। तो बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंज, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, इसको मन नहीं पढ़ना, मिन अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये टोटल 17 हैं। बा एक, दूसरा ता, तीसरा काफ, चौथा लाम, आगे ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आगे 8 हो गया, ये 9, ये 10, 11, 12 और आगे जो है ना 5 हैं, 17 हो जाएंगे। तो ये हुरूफ 17 हैं जो अपने बाद वाले इसम को जेर देते हैं। अब इन हुरूफ में से हम कोई भी हर्फ उठा करके जैद लफ्ज़ के ऊपर दाखिल करते हैं, बिलफर्ज हमारे पास जैद का लफ्ज़ है या कोई भी इसम ले लें, ये हुरूफ जो हैं ये इसम पर दाखिल होंगे, इनके बाद आने वाला इसम होगा। तो अब मिसाल के तौर पे जईदुन का लफ्ज़ है, अब पहले हमने इसके शुरू में बा लगा के देखा, उसने भी इसको जो है ना जेरें दे दी। अब हम इसके शुरू में अला लगा के देखते हैं, तो अला भी इसको जेर दे देगा। अगर हम इसके शुरू में हत्ता लगा के देखें, वो भी जेर दे देगा। इसके शुरू में हुरूफ में से फी लगा के देखें, वो भी जेर दे देगा। तो ये हैं हुरूफ जार्रा जो अपने बाद वाले इसम को जेर दे देते हैं, और जेर को जर कहते हैं और जर जर देने वाले को जारा कहते हैं, इसलिए ये हुरूफ कहलाते हैं जारा। अब यहाँ पर अला हर्फे जर है, हर्फे जारा है, और जईदन जो है ये है इसम। लेकिन एक और बात भी समझें कि उर्दू के अंदर जिस बंदे के ऊपर जुल्म हो जाए ना, हम उसे कहते हैं मजलूम। उर्दू में जिस बंदे पर जुल्म पड़ जाए, हम उसको कहते हैं कि ये मजलूम आदमी है, मजलूम है। क्या हुआ है जी? जुल्म इसके ऊपर पड़ गया। इसी तरह किसी बंदे के ऊपर जबर किया जाए, उससे कोई काम करवाया जाए, हम कहते हैं कि ये बंदा मजबूर है, मजबूर। जिस बंदे के ऊपर जबर किया गया वो मजबूर हो गया, जिस बंदे के ऊपर जुल्म किया गया वो बंदा मजलूम हो गया। इसी तरह जिस इसम के ऊपर हर्फे जर पड़ेगा वो इसम मजरूर कहलाएगा। जिस इसम के ऊपर जर पड़ जाएगा उसको कहेंगे मजरूर। जैसे जिस पर जुल्म पड़े तो मजलूम, जबर किया जाए तो मजबूर, जर पड़ जाए तो वो कहलाएगा मजरूर। और इसी तरह रफा का, पेश का एक नाम रफा आपने पढ़ लिया, अब बिलफर्ज़ ज़ैदुन हो तो ज़ैदुन के ऊपर रफा है, इसे हम कह सकते हैं कि जैद पर रफा पड़ गया, पेश पड़ गई, रफा पड़ गया, तो इसे कहेंगे मरफू। उसी तरीके का लफ्ज़ है, जैसे मजलूम मजबूर तो ये मरफू। और इसी तरह अगर ज़ैदन हो जाए, इसके ऊपर दो जबरें आ जाएं, तो फिर नसब पर, इसके ऊपर नसब पड़ जाएगा,
जब नसब पड़ेगा तो इसे कह देंगे मनसूब, नसब से मनसूब। एक और भी छोटी सी बात समझ लें कि जब हम किसी भी अरबी लफ्ज़ के अंदर किसी के ऊपर हम ज़बर देते हैं तो उसके आगे एक अलिफ भी हम बढ़ा देते हैं। अगर हम ज़ैदुन पढ़ें तो कोई आगे अलिफ नहीं बढ़ता, अगर उसको ज़ैदिन पढ़ें तो अलिफ नहीं पढ़ता, ज़ैदन पढ़ें तो आगे दो ज़बर के बाद अलिफ क्यों आ जाता है? तो ये महज अरबी अदब है। जैसे उर्दू के अंदर एक कायदा है कि जो लफ्ज़ सीन से शुरू हो उसके शुरू में अलिफ बढ़ाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्कूल के शुरू में अलिफ बढ़ा सकते हैं अस्कूल, इसी तरह आपने दुकानों पे लिखा होगा स्पेशलिस्ट, देखा होगा स्पेशलिस्ट, लेकिन उसके शुरू में भी अलिफ बढ़ाया होता है। ये महज उर्दू अदब है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अरबी के अंदर जब किसी के ऊपर ज़बर आती है, नसब आता है, तो उसके आगे अलिफ बढ़ा दिया जाता है, ये फिर ज़रूरी होता है। तो हर्फ की दो किस्में, नंबर एक आमिल, नंबर दो गैर आमिल। गैर आमिल जो हैं, आमिल हुरूफ जो हैं, इनकी और भी कुछ वजाहत है, और भी इनकी अकसाम हैं, लेकिन अभी जो है हमारा इन्हीं से गुजारा चल जाएगा, ताकि शुरू से एक तरतीब से आपको एक आइडिया मिलता रहे। अभी सारी वजाहत हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, इनकी सारी वजाहत किताब के आखिर में आएगी इंशाल्लाह। तो हुरूफ जारा आपने पढ़ लिया कि अपने बाद वाले जो इनके इसम आएगा उसको जेर दे देंगे। चुनाचे ये सात हुरूफ पढ़ लेने के बाद अब ज़रा हम कुरान पाक में से कुछ अल्फाज देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा अल्फाज कुरान पाक में से आपको समझ आ गए हैं। देखिए जी कि ये वो अल्फाज हैं जो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। बी, पहला हर्फ जार, ये हर्फ उर्दू में के साथ के माना में इस्तेमाल होता है, मसलन बिल हक, हक के साथ। अब कुरान पाक में देखिए जी, बिल कलामी, बाद में अल कलम इसम था उसको जेर दे दिया। बिनसरिल्लाही, बी नसर, नसर उसकी रा को जेर दे दिया। बिइज़्निल्लाही, इज़न की नून को जेर दे दिया। तो पहले इनके जो बाद में पहला इसम आता है उसको ज़ेर देते हैं, जो बाद लफ्ज़ अल्लाह का ज़ेर आया हुआ है ना वो कोई और वजह से है, वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह में मीम को ज़ेर आ गया, बिस्मिल्लाह बिस्मि रब्बी का, इसमें भी मीम को ज़ेर है, आगे भी ऐसे है। ता कसम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह के साथ ख़ास है, अल्लाह ही, ये अल्लाह ही के साथ बोला जाएगा, अल्लाह की कसम। और वाओ, ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है, वल्ला ही, अल्लाह की कसम। अब देखिए कुरान पाक में कितनी ज़्यादा इस तरह कस्में उठाई गई हैं जिनके शुरू में वाओ है। वशम सी वल कमरी, देखें सबको ज़ेर मिल रहा है। वल्लैली वस्समाई वल अर्ज़ी, आगे सारी मिसालें देखते चलें। का की तरह, की मानिद के जैसा, ये इसका माना होता है, जैसे कल कमर, चांद की तरह, चांद जैसा। अब कुरान पाक में मिसालें देखते जाएं, कल हिमारी कल जिबाली कल हिजारती कल अनामी कल मुजरिमीना, इसको छोड़ दें, इसके ऊपर जेर ज़रा एक और स्टाइल का है। कशाजरा तिन कासफिन, इसी तरह फ़ी को देखें, कुरान पाक में कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। फिल मस्जिदी फिल किताबी फिल गुरफाती फी जहन्नामा, इसका ज़ेर और स्टाइल का है, ये भी आप पढ़ लेंगे। फिल लैली फिन नहारी, मिन है तो इसकी कुरान पाक में से मिसालें, मिनल मदीनती मिनल बैती मिनल मस्जिदी, सारी देखते चलें जी। इला को देख लें, तक की तरफ इसका माना होता है। इला जबलिन, किसी पहाड़ की तरफ। इलल बैती इलस्सू की। अला अलल अरशी अलल आलमीना, आलमीना का जेर और तरह का, ये हम पढ़ लेंगे। अला कुलूबिहिम,
ये हिम अलग लफज है और कुलूब पर लफज खत्म हो गया तो कुलूब की बा को जेर दी हुई है। अला समअ हिम, समअ आइन के नीचे जेर है, हिम अलग है और इसी तरह अबसार हिम भी है। हत्ता को देख लें, हत्ता मातुलाइल फजर, लाम को देख लें, तो इसकी भी कुरान पाक में कसीर मिसालें हैं। तो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुरान पाक के अल्फाज का आइडिया हो चुका है।